बतख देखी होगी आपने किस तरह से वो पानी पर चलती है और शांत लग रही होती है, एकदम स्मूथली चल रही होती है, लेकिन पानी की सतह के नीचे जो अपने पैर लगातार चला रही होती है, वो जो पेडल करती रहती है, वो सबको दिखाई नहीं देता है, वो हलचल नहीं देखने को मिलती है। इस तरह कई बार हम सफल लोगों की सफलता देखते हैं, उनकी शान और शौकत, जो शोहरत मिलती है वो देखते हैं, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष नहीं देख पाते हैं। खेल का मैदान फर्श से अर्श तक पहुंचने के सफर के पीछे का संघर्ष की कहानियों से भरा हुआ है और आज ऐसी कहानी एक बार फिर हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। ये कहानी है 24 साल के कुमार कार्तिकेय सिंह की। हाल ही में इस युवा खिलाड़ी ने मुंबई इंडियंस के लिए आईपीएल में डेब्यू किया, अपनी किफायती गेंदबाजी के साथ सबका ध्यान खींचा। एक्सपर्ट्स उनकी स्पिन में वेरिएशन से काफी ज्यादा इंप्रेस्ड रहे। 20 लाख रुपए में मुंबई ने इस मेगा ऑक्शन में कार्तिकेय को खरीदा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कार्तिकेय के सफर में एक ऐसा दौर था जब उनके पास दिन का खाना खाने तक के पैसे नहीं थे। एक साल से उन्होंने लंच की शक्ल तक नहीं देखी थी और जब देखी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले कार्तिकेय ने क्रिकेट खेलने की शुरुआत कानपुर से की थी, मगर मौका न मिलने की वजह से 15 साल की उम्र में वो कानपुर से दिल्ली आ गए। पिता श्यामनाथ सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पर तैनात हैं। उनकी इतनी आय नहीं थी कि वो अपने बेटे को महंगी क्रिकेट कोचिंग का खर्चा उठाकर दें या क्रिकेटिंग जो किट चाहिए होती है वो दें। बेटे ने पिता से वादा किया कि वो अपने दम पर क्रिकेटर बनकर दिखाएंगे। अब दिल्ली में कार्तिकेय को जानने वाला कोई नहीं था सिवाय उनके एक दोस्त राधे श्याम के, जो कि लीग क्रिकेट खेला करते थे। उनके दोस्त ने उन्हें कई क्रिकेट अकेडमीज में लेकर गए उनको वो, और महंगी फीस होने के कारण कार्तिकेय को वापस लौटना पड़ता था। कार्तिकेय की फिर मुलाकात हुई संजय भारद्वाज से, वही संजय भारद्वाज जिन्होंने गौतम गंभीर और उन्मुख चंद और अमित मिश्रा जैसे खिलाड़ियों को तैयार किया। संजय भारद्वाज से मिलकर कार्तिकेय ने बताया कि वो स्थिति में नहीं है कि वो कोचिंग फीस जो है वो अफोर्ड कर पाएंगे। संजय भारद्वाज ने उन्हें ट्रायल के लिए एक मौका दिया और सिर्फ एक गेंद बाद ही उन्हें कार्तिकेय को कोचिंग देने का फैसला कर लिया। कोच संजय भारद्वाज के अनुसार उसका जो एक्शन था वो काफ़ी स्मूथ था, उंगलियों का बखूबी वो इस्तेमाल करते थे और ये जो खूबी थी उनकी वेरिएशन की वो उनको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर गई। लेकिन कार्तिकेय का जो संघर्ष था ना वो यहीं ख़त्म नहीं हुआ। कार्तिकेय को गाज़ियाबाद की फैक्ट्री में एक मजदूर के तौर पर नौकरी मिली जो क्रिकेट अकेडमी से 80 किलोमीटर की दूरी पर थी। पूरी रात फैक्ट्री में काम करना और फिर सुबह अकेडमी जाना, वो 10 रुपए बचाने के लिए कई किलोमीटर चल के जाते थे और बचे हुए पैसे से वो बिस्किट खरीद कर खाते थे। 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट, वही उनका खाना हुआ करता था। जब भारद्वाज को उनकी दुर्दशा का पता चला तो उन्होंने अपने वार्ड को अपनी एकेडमी में रहने के लिए जगह दी और कहा कि जहाँ पर उनका रसोईया रहता है, जहाँ उनका कुक रहता है, वो वहाँ पर रहे। कोच ने एक इंटरव्यू में बताया है कि किस तरह से एक दिन दोपहर में कुक की तरफ से उनको खाना दिया गया तो कार्तिकेय जो हैं वो रोने लगे, क्योंकि बीते एक साल से उन्होंने दिन का खाना नहीं खाया था, लंच नहीं खाया था उन्होंने एक साल से। इसके बाद से कार्तिकेय को एडमिशन एक स्थानीय स्कूल में मिला। इसके बाद वो कई टूर्नामेंट में खेले, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे, लेकिन DDCA के लिए दिए गए ट्रायल में उन्हें संभावित 200 में भी नहीं चयन किया गया। ये देखते हुए कोच संजय भारद्वाज ने उन्हें मध्य प्रदेश भेजने का फैसला किया। कोच ने उन्हें अपने दोस्त और शेड्यूल क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव अजय द्विवेदी के पास भेजा। फिर 2 साल बाद डिवीजन क्रिकेट खेलने के बाद कार्तिकेय को MP की ओर से रणजी खेलने का मौका मिला। 2018 की रणजी ट्रॉफी उन्होंने खेली और बीते 9 साल के संघर्ष को IPL के जरिए उन्हें अब एक नया मुकाम मिला है।